हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से आए हैं एक नया कंटेंट लेकर। आज का कंटेंट है हमारा फॉर्मूला ऑफ स्टैगर, कि स्टैगर का फॉर्मूला क्या होता है और अगर फॉर्मूला होता है तो उसमें कौन सी लेन का कैसे पुटअप किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, आज मैं उसी को आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा 400 मीटर ट्रैक, मतलब 400 मीटर के ट्रैक का, ओके। तो इसमें क्या होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है w(n-1)-0.10(2π), ये इसका फॉर्मूला होता है w(n-1)-0.10(2π), ये हमारा 400 मीटर ट्रैक का फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि W को क्या बोलते हैं, N को क्या बोलते हैं और ये पॉइंट टेन लिखा हुआ है ये क्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर W की बात करें तो W होता है यहाँ पर विद ऑफ लेन, मतलब लेन की जो ट्रैक, ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रैक हो गया ना, ये हमारा ट्रैक हो गया, ठीक है। और जो इसकी पहली लेन होती है ये वाली और ये वाली, तो जो इस लेन की चौड़ाई होती है यहाँ पर W से डिनोट की गई है, ठीक है, विद ऑफ लेन, लेन की चौड़ाई। तो अगर जो लेन की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 1.21 से लेकर 1.23 अप्रोक्स, इसको हम मानते हैं 1.22, ठीक है, 1.22। और जो ये एन लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ लेन, कि कौन सी लेन का हम स्टैगर निकालने वाले हैं, ठीक है। पहली लेन का तो निकाल नहीं सकते क्योंकि उसमें तो खिलाड़ी वहीं खड़ा होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर। सेकंड लेन से स्टार्ट होगा हमारा जो स्टैगर स्टार्ट होगा, वो सेकंड लेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एन बराबर हो गया हमारा नंबर ऑफ लेन, कि कौन सी लेन का स्टैगर निकालना है, ठीक है। ये इसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा -0.10 लिखा हुआ है इसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ 0.30 and 0.20, जो ये डिफरेंस होता है हमारा ये इस बॉर्डर लाइन का होता है, ठीक है, और ये 20 इसका होता है, इसका डिफरेंस होता है जो हमारा, वो होता है -0.10, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले में किसी भी लेन का आपको स्टैगर निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, मान लेते हैं कि W होते भी दो प्लेन, लेन हो गई हमारी 1.22, नंबर ऑफ लेन N से हमें क्या डिनोट किया था, नंबर ऑफ लेन, तो लेन कौन सी हो गई हमारी, इसकी लेन मान लेते हैं इसकी हम सेकंड, पहले हम सेकंड का निकालेंगे, ठीक है, फिर -1, ठीक है, फिर -0.10, फिर 2π, ठीक है। तो बड़े आराम से समझेंगे कि आज के बाद आप स्टैगर निकालना कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे इसको करते हैं 1.22, दो में से एक गया, क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। अब -0.10 × 2π, ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो सेम आएगा 1.22 -0.10, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, अब 2π, ओके दोस्तों, इतना समझ में आया। आगे 1.22 में से हम ये 0.10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1.12, ओके। अब
ये पाई भी है यहाँ पर, पाई को क्या मानना पड़ेगा, 2 इंटू जो पाई का मान होता है हमारा वो होता है 22/7। ठीक है, अब आगे आगे 22/7। ठीक है दोस्तों, आगे क्या करेंगे, आगे मैं इसको इधर समझा देता हूँ। आगे 1.21 सेम रखेंगे, 1.12 सेम रखेंगे आगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, 22 की गुणा पहले हम 2 में करेंगे, क्या आएगा 44, 44/7। ठीक है दोस्तों, अब आगे आगे क्या करेंगे कि 44 की गुणा अब 1.12 में होगी, तो क्या आएगा, अगर हम 44 की गुणा 1.12 में करेंगे तो क्या आएगा, 49.28। तो इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो क्या आएगा, 49.28/7। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया। आगे आगे क्या करेंगे, अब 49.28/7, अब इसको 7 से भाग देंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो हमारा स्टैगर होगा। ठीक है, सेकंड लेन का अब क्या आएगा इसका, इसका मैं देख रहा हूँ 7.04 मीटर में होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा स्टैगर्ड निकालने का फॉर्मूला। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जो आप हम वीडियो डालते हैं वो आपके पास आसानी से आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।